हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं आटे का मीठा चीला। और उसके लिए हमें चाहिए आटा, जो मैंने ले लिया है एक कटोरी, और पिसी हुई चीनी, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, एक ग्लास मिल्क, रिफाइंड और चेरी। ये सब हमें बहुत ज़रूरी चाहिए। इसी से बनेगा हमारा हेल्दी टेस्टी ब्रेकफास्ट मीठा चीला। उसके लिए हमें सबसे पहले ले लेनी है एक खाली बाउल, और उसके अंदर हम ये एक कटोरी आटा डाल देंगे। और उसके बाद हमें इसमें डालना है पिसी हुई चीनी। अगर आप चीनी अवॉइड करना चाहते हैं तो आप इसमें जो गुड़ का पाउडर आता है शक्कर, वो भी यूज़ कर सकते हैं इस चीले को ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए, बट मैंने यहाँ पर पिसी हुई चीनी का यूज़ करा है। और इसको कर देते हैं अच्छे से मिक्स। मिक्स करने के बाद अब हम ले लेते हैं एक गिलास दूध, जो हमने लिया था, और उसी से इसका बनाएंगे बैटर। और अगर आप दूध को स्किप करना चाहें तो दूध की जगह आप पानी का भी यूज़ कर सकते हैं, बट अगर दूध से बनाएंगे तो ये ब्रेकफास्ट थोड़ा ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। तो इस तरह से इसका जो बैटर है वो थोड़ा थोड़ा दूध मिक्स करके बनाएंगे तो उसमें गांठें नहीं पड़ेंगी और चीला बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। धीरे धीरे करके मिलाइए, और इस बैटर को ना तो ज़्यादा हमें थिक रखना है और ज़्यादा ना ही लिक्विड। ये देखिए बैटर थोड़ा सा हमने रेडी कर लिया है, बट अब इसमें गांठें ना रहें उसके लिए हम यूज़ करेंगे एक बीटर, हैंड बीटर। अगर आप इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इससे जो बैटर है बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाता है, फैट जाता है, जिससे जो चीला है वो बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। इसमें बिल्कुल भी लंग्स नहीं होने चाहिए। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। अब इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए थोड़ा सा मिल्क ऐड करने के बाद रख देंगे, जिससे जो ये आटा है वो थोड़ा सा अच्छे से फूल जाए। 10 से 15 मिनट के लिए रखना है हमको। ये देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। हमें इतना ही पतला चाहिए, ना तो ये ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा थिक है, ना ही ज़्यादा गाढ़ा है। अब हम इसको रेस्ट कराते हैं। और जब भी आप आटे का चीला बनाएं तो जो फ्राई पैन है या आप तवा भी यूज़ कर सकते हैं, उसको तेज गर्म रखना है। अगर आप सेम गैस पर यूज़ करेंगे, तवा थोड़ा सा कम गर्म होगा तो आटे का चीला 99% चिपक जाता है। बट अगर आप उसको पहले से ही बहुत तेज गर्म करेंगे और उसको थोड़ा सा चिकनाई लगा लेंगे, ग्रीसिंग कर लेंगे, तो जो आटे का चीला वो बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। चिपकने का मेन रीज़न ये होता है कि मोस्टली लोग ठंडे तवे पे, मतलब ज़्यादा तेज नहीं होता, ठंडा से मीनिंग मेरा है, तो उसको तेज गर्म पे बनाना होता है। 10 से 15 मिनट बाद अब हम इसको एक बार कर लेते हैं चेक। ये देखिए जितना लिक्विड हमने छोड़ा था अभी थोड़ा सा थिक हो गया, मीनिंग आटा जो है वो अच्छे से फूल चुका है। और अब टाइम है इसके अंदर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड करने का। ये मैंने 4 से 5 बादाम लिए हैं, फाइन चॉप कर रखे हैं, और उसके बाद थोड़ा सा पिस्ता। ये ऑप्शनल है, अगर आप कोई ड्राई फ्रूट्स इसमें स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं, ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। इसमें मैंने ऐड कर दिया है अभी तक बादाम, पिस्ता और थोड़ी सी 1 चम्मच चिरौंजी, और ये सनफ्लावर सीड्स हैं। सनफ्लावर सीड्स इसमें बहुत ही टेस्टी लगते हैं आटे के चीले में। और ये किशमिश है, ये मैंने साबुत डाल दिया, अगर आप इसे फाइन चॉप करके डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। और ये मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर कर दिए हैं अच्छे से मिक्स। ये देखिए, और खाली बाउल को रख देते हैं हम साइड पे, और इन सभी ड्राई फ्रूट्स को कर देते हैं अच्छे से मिक्स। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे मीठा आटे का चीला तो मैं श्योरिटी लेती हूँ कि हर किसी को पसंद आएगा, क्योंकि इसमें एक तो स्वीट है, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं, उससे इसमें क्रंच आ जाएगा। और आटे का चीला अब आपका जो है तेज तवे पे हीट करके बनाएंगे तो बहुत ही सॉफ्ट भी बनेगा। ये लीजिए, अब हमने ले लिया एक फ्राई पैन, और इसको कर लेना है तेज हीट, जो मैंने ऑलरेडी गैस पे रख दिया था। अब इसको चेक करने का परफेक्ट तरीका है कि आप इस पे थोड़ा सा ऊपर से हाथ रख के चेक करिए कि अच्छे से गर्म हो जाए। और उसके बाद इसको कर लेते हैं हम एक बार ग्रीस। इस पे ज़्यादा ऑयल नहीं लगेगा, बहुत ही हल्का सा। ग्रीसिंग करने के बाद इसको आप 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, जिससे कि जो चिकनाई है वो अच्छे से गर्म हो जाए। और जैसे हमारी आज की रेसिपी है आटे का मीठा चीला, तो इसको हम पैनकेक भी बोल सकते हैं या बोलते हैं। और उसके बाद जब ये फ्राई पैन हो जाए गर्म, इसके अंदर हम डाल देंगे
ये वाला बैटर, ये देखिए, और इसको हल्के हाथ से कर देंगे, थोड़ा सा साइड पर फैला लेंगे, ये देखिए साइड से ये बिल्कुल बहुत तेज गर्म था, इसीलिए आप साइड से देख सकते हैं जो आटे का चीला है। जैसे ही हमने इसके ऊपर आटे का बैटर जो हमने बना रखा था डाला, तो वो साइड से हल्का हल्का बनना स्टार्ट हो गया है। और अगर ये सिम गैस होती, तवा या फ्राई पैन गर्म नहीं होता, तो वो बिल्कुल भी ये वाला जो टेक्सचर है वो नहीं आता। अब इसके बाद हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए ढक देंगे, जिससे बहुत अच्छे से हो जाए। 2 मिनट हो गए, अब टाइम है इसको एक बार चेक करने का। ये देखिए, इस स्पैचुला की हेल्प से अब हम इसको एक बार कर देते हैं चेक कि ये साइड से बिल्कुल बना या नहीं बना। ये देखिए, ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से वन साइड से हो चुका है। अब टाइम है इसको थोड़ा सा ध्यान से फ्लिप करने का, जिससे ये चीला टूटे नहीं। ये देखिए, अब हमने इसको कर दिया है फ्लिप, और जो अपनी पैन केक है ये हो चुका है रेडी। ये देखिए, इसको थोड़ा सा हिला के देख लीजिए, ये बिल्कुल चुपका नहीं है। और उसके बाद स्पैचुला की हेल्प से हम इसको थोड़ा सा दबा कर, प्रेस कर कर थोड़ा सा सेक लेते हैं। और जब आप इस मीठे चीले को चॉकलेट सिरप के साथ सर्व करेंगे, तो आई एम डैम श्योर कि ये बच्चों का फेवरेट डिज़र्ट बन जाएगा। अभी मैं आपको बताऊंगी इसको कैसे बच्चों का फेवरेट डिज़र्ट बनाना है। और अब हम इसको 1 मिनट के लिए कवर करके रख देते हैं, जिससे दोनों साइड से बहुत अच्छे से बन जाए। अब कर लेते हैं हम एक बार इसको चेक। ये देखिए, ये बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसको एक बार दोबारा फ्लिप करके देख लेते हैं। ये देखिए, वन साइड से बिल्कुल हो चुका है, मैंने फ्लिप कर दिया था। एक बार दोबारा फ्लिप करके मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये दूसरी साइड से भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन चुका है। अब टाइम है इसको सर्व करने का। अब हम ले लेते हैं एक प्लेट, सर्विंग प्लेट, और उसके बाद कर देते हैं इसको अच्छे से बच्चों के लिए सर्व। ये देखिए, हमने ले लिया एक सर्विंग प्लेट, और इसको अब हम हाफ करके फिर एक फोल्ड लगाकर, मीनिंग ट्रायंगल शेप में, अब हम इसको कर देते हैं सर्व। ये देखिए, इस तरह से आराम से, जिससे जो चीला है वो बिल्कुल भी टूटे नहीं। और टाइम है अब इसके ऊपर थोड़ी सी गार्निशिंग का, जिससे ये बच्चों का फेवरेट डिज़र्ट बनने वाला है। अब हम इसके ऊपर जो हमने इसके अंदर बूरा डाला था, वही हम इसके ऊपर थोड़ा सा इस तरह से कर देंगे स्प्रिंकल, जिससे ये खाने से पहले बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा, टेम्पटिंग लगेगा, तो ये सबका फेवरेट भी बन जाएगा, क्योंकि खाने से पहले देखने में भी अच्छा होना चाहिए। और उसके बाद हम इसके ऊपर डाल देंगे, थोड़ा सा गार्निश कर देंगे चॉकलेट सिरप से, इस तरह से। और उसके बाद थोड़ा सा हम इसको एक चेरी के साथ कर देते हैं फाइनल। ये देखिए, तो आज का जो पैनकेक है, आटे का मीठा चीला है, ये हो चुका है बिल्कुल रेडी। देखने में जितना टेम्पटिंग लग रहा है, खाने में ये उतना ही टेस्टी है। ये देखिए, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को एक बार ज़रूर बना के खिलाइएगा। आई एम श्योर कि ये उनका फेवरेट डिज़र्ट हो जाएगा। आज की वीडियो रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंजॉय आटे का मीठा चीला एंड पैनकेक।